आज के इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट एक्सरसाइज इसको स्टार्ट किया जा रहा है। ये जो एक्सरसाइज है ये आपका बेस्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा के ऊपर। तो सबसे पहली चीज, आयोटा होता क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो आपको जाननी चाहिए, और उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को बड़े सिंपली कर सकते हैं। तो चलिए आयोटा समझते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो ऐसे इक्वेशन आपने पहले भी सॉल्व किया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इस माइनस वन को राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो प्लस वन बन जाएगा, और यहाँ से हम एक्स लिख सकते हैं रूट ओवर वन, विच इज प्लस माइनस वन और रियल। तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक रियल नंबर है। बट वॉट अबाउट कि अगर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, इन दैट केस एक्स स्क्वायर ये बन जाएगा, वन को राइट साइड में शिफ्ट कीजिए तो माइनस वन, और यहाँ से एक्स ये बन जाएगा रूट ओवर माइनस वन। अब ये जो रूट माइनस वन है ये रियल नहीं कहलाएगा, इसकी वैल्यू होती है आई, और ये जो आई है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इतना क्लियर? तो ये जो रूट माइनस वन है ये हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द आई सिंबल, एंड इस आई सिंबल को भी कहा जाता है आयोटा, विच इज नथिंग बट अ इमेजिनरी नंबर। तो ये क्लियर हुआ। अब कुछ प्रॉपर्टीज है आयोटा का, उसको समझिए। तो देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा, तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज है, अगर हम आई की पावर जीरो की बात करें तो ये बनता है वन। सेकेंड प्रॉपर्टीज, अगर हम आई की पावर वन लिखना चाहे तो ये हम लिख सकते हैं आई, और आई मीन्स रूट ओवर माइनस वन। अब थर्ड प्रॉपर्टीज, अगर हम आई स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो देखिए रूट ओवर माइनस वन इक्वल्स टू आई है, अगर हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दें तो आई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, माइनस वन। आई स्क्वायर होता है माइनस वन। नेक्स्ट है आई क्यूब, आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई, देखिए बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगा, टू प्लस वन थ्री, और आई स्क्वायर ये होता है माइनस वन, और ये इंटू आई, तो ये आ गया माइनस आई। नाउ लास्ट वन इज आई टू द पावर फोर, अब आई टू द पावर फोर को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, तो टू इंटू टू फोर बन जाएगा पावर, आई स्क्वायर ये होता है माइनस वन, और देन इसका स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस वन। तो आई की पावर जीरो ये हो गया वन, आई की पावर वन आई, आई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस वन, आई क्यूब को लिखा जा सकता है माइनस आई, और आई की पावर फोर को हम लिख सकते हैं प्लस वन। और इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इन सभी को इवेलुएट करना है, और फर्स्ट केस दिया हुआ है आई टू द पावर 457, 457 विच इज मोर देन 4, और जब कभी भी यहाँ पावर में 4 से बड़ी वैल्यू है तो सबसे पहला काम इसको 4 से डिवाइड कीजिए, तो 457 को 4 से डिवाइड कीजिए, तो ये आ जाएगा 4 वन जब 4 रिमाइंडर 0, ये 5 नीचे, 4 वन जब 4 रिमाइंडर 1, ये 7 नीचे, 4 4 जब 16 रिमाइंडर आ गया 1। तो इस आई टू द पावर 457 इसको हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 एंड देन पावर 114, और इनटू रिमाइंडर 1 है तो आई की पावर 1। तो देखिए 4 इंटू 114 456 प्लस 1 457 हो जाएगा, तो इस आई की पावर 457 को इस तरीके से लिख दिए। अब आई की पावर 4 ये होता है 1, तो ये मिल गया 1 की पावर 114 इंटू आई की पावर 1, 1 की पावर 114 1 इंटू आई की पावर 1 आई, तो 1 इंटू आई आई आंसर आ जाएगा। और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम 457 को 4 से डिवाइड किए रिमाइंडर मिल गया 1, तो इस पूरे का रिजल्ट आ जाएगा आई टू द पावर 1 मीन्स आई। क्लियर? सेकेंड केस है, ये दिया हुआ है आपका आई टू द पावर 528, अगेन 4 से बड़ी वैल्यू है, 4 से डिवाइड कीजिए तो ये आ जाएगा 4 वन जो 4 12, 4 3 जो 12 4 2 जो 8, तो 4 इंटू 132 528, जब हम 4 से डिवाइड करेंगे 528 को रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, तो ये आ गया 528 को 4 इंटू 132 लिख सकते हैं, ये आ गया 1 की पावर 132 मीन्स 1,
क्योंकि आई टू द पावर 4 ये 1 होता है, और इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं 528 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर मिलेगा 0, मीन्स इस पूरे का रिजल्ट आई की पावर 0 ये क्या होगा 1। क्लियर। नाउ थर्ड क्वेश्चन है 1/i^58। तो देखिए 14 4 = 56 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/i^4 × 14, ये आ गया 56 इंटू आई स्क्वायर, तो ये बन गया 1, और यहाँ पे आ गया 1/i^2। अब यहाँ पे आई की पावर 4 लाने के लिए ऊपर और नीचे आई स्क्वायर से इंटू कर दीजिए, तो ये आ गया 1 × i^2 और नीचे बन गया i^4 मीन्स 1, तो अपॉन 1 i^2 ही होगा, और i^2 ये होता है -1, तो ये आंसर आ जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है i^37 + 1/i^67। तो देखिए 9 4 = 36 रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसका रिजल्ट आ गया i^1 मीन्स i, और यहाँ पे 1/i^67 है, तो 16 × 4 = 64 रिमाइंडर आएगा 3, तो यहाँ पे ये आ जाएगा i³। अब यहाँ i^4 बनाने के लिए इसको i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया i, और यहाँ पे बन गया i, और यहाँ नीचे i^4 मीन्स 1, तो अपन 1 i ही रहेगा, और i + i 2i, ये आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है फिफ्थ, i^41 + 1/i^257 और होल पावर 9। तो देखिए 10 4 = 40 रिमाइंडर 1 आएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई i^1 मीन्स i, और यहाँ पे 1/ देखिए लास्ट टू डिजिट अगर आप देखें तो 56 विच इज डिविजिबल बाय 4, तो यहाँ पे 256 तो डिविजिबल होगा, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी i^1 मीन्स i। अब यहाँ i^4 बनाने के लिए इसको ऊपर और नीचे i³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना क्लियर, ये बन गया i, और यहाँ से आ गया i³ मीन्स -i, और यहाँ अपॉन i^4 मीन्स 1, तो ये पूरा मिल गया -i, और यहाँ होल पावर 9, i माइनस आई कैंसिल 0^9 ये आ जाएगा 0। क्लियर। नाउ नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ है, यहाँ पे i^77 है, तो 76 तो डिविजिबल बाय 4 है, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू हो गई i^1 मीन्स i। नाउ 68 इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ 70 है, रिमाइंडर आएगा 2, तो यहाँ से मिल गया i²। नाउ 84 डिविजिबल बाय 4, यहाँ रिमाइंडर आएगा 3, तो ये आ गया i³। यहाँ 14, तो 12 डिविजिबल बाय 4 है, तो 412 तो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2, यहाँ से मिल गया i², और देन होल पावर 3, इतना क्लियर, ये आ गया i² ये होता है -1, i³ -i, और i² -1 देन होल क्यूब। नाउ i माइनस आई कैंसिल -2^3, तो ये बन जाएगा -8, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है i^30 28 डिविजिबल बाय 4 है, रिमाइंडर 2 आएगा, मींस यहां से आ गया i²। i^40 40 इज डिविजिबल बाय 4, तो यहां से मिल गया i^0। देन 60 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, तो ये आएगा i^0। तो i² -1 i^0 1 और ये 1, तो ये 1 और -1 कैंसिल 1, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है 48 इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ 49 है, रिमाइंडर आएगा 1, तो ये आ गया i। 68 इज डिविजिबल बाय 4, तो ये मिल गया i^0।
88 इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ 89 है, रिमाइंडर आएगा 1, यहाँ से मिल गया आई की पावर 1 मीन्स आई। नाउ 108 इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ 110 है, रिमाइंडर आएगा 2, तो ये आ गया आई स्क्वायर, तो ये बन गया आई, ये आ गया 1, देन आई और आई स्क्वायर माइनस 1, ये 1 माइनस 1 कैंसिल, आई प्लस आई 2i, ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ प्रूफ करना है 1 प्लस आई टू द पावर 10 प्लस आई टू द पावर 20 प्लस आई टू द पावर 30 इज अ रियल नंबर। तो देखिए इस पूरे को हम लिख सकते हैं 1, देन आई की पावर 10 है इसे हम लिख सकते हैं आई टू द पावर 4 का स्क्वायर, तो आई की पावर 8 इंटू आई स्क्वायर, आई की पावर 10 हो जाएगा। नाउ यहाँ आई की पावर 20 है तो आई की पावर 4 पावर 5, तो 4 5 जा 20, यहाँ पे 30 है तो आई की पावर 4 7 जा 28 इंटू आई स्क्वायर, इतना क्लियर। ये बन गया 1 और आई की पावर 4 1 का स्क्वायर 1 इंटू आई स्क्वायर, ये बन जाएगा आई स्क्वायर, यहाँ पे ये 1 टू द पावर 5 1, ये आ गया 1 इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर, इतना क्लियर। ये बन गया 1 आई स्क्वायर, ये होता है माइनस 1, देन ये 1, देन आई स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, ये आ गया 0, विच इज अ रियल नंबर, विच इज अ रियल नंबर, और यही हमें प्रूफ करना था। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे इन सारे एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। फर्स्ट केस दिया हुआ है आई की पावर 49 प्लस आई की पावर 68 प्लस आई की पावर 89 प्लस आई की पावर 110, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन से करते हैं, आई की पावर 30, 30 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 मिलेगा, तो यहाँ से मिल गया आई स्क्वायर, 80 इज डिविजिबल बाई 4 तो आई की पावर 0, 120 इज डिविजिबल बाई 4 तो आई की पावर 0, आई स्क्वायर माइनस 1, आई की पावर 0 1, आई की पावर 0 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 1 आंसर आ गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है आई, देन आई स्क्वायर ये होता है माइनस 1, देन आई क्यूब ये होता है माइनस आई, देन आई टू द पावर 4 ये होता है प्लस 1, नाउ माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, आई माइनस आई ये भी कैंसिल, 0 आंसर आ गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है, आई की पावर 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर मिलेगा 1, 10 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलेगा 2, ये बन जाएगा आई स्क्वायर, 15 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर मिलेगा 3, तो आई क्यूब ये आ गया आई, आई स्क्वायर माइनस 1, आई क्यूब माइनस आई, आई माइनस आई कैंसिल, यहाँ से मिल गया माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। नाउ 592 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर मिलेगा 0, तो यहाँ से मिल गया आई की पावर 0, 590 जब आप 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट रिमाइंडर एज 2, तो यहाँ से आई स्क्वायर, 588 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो आई की पावर 0, 586 रिमाइंडर 2 मिलेगा तो आई स्क्वायर, 584 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो आई की पावर 0, आई की पावर 582 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट रिमाइंडर एज 2, तो यहां से आ जाएगा आई स्क्वायर, 580 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा तो आई की पावर 0, 578 रिमाइंडर 2 मिलेगा, 576 कम्प्लीटली डिवाइड होगा तो आई की पावर 0, 574 रिमाइंडर यहाँ 2 मिलेगा तो आई स्क्वायर, ये बन गया आई की पावर 0 1, देन आई स्क्वायर माइनस 1, आई की पावर 0 1, आई स्क्वायर माइनस 1, आई की पावर 0 1, आई स्क्वायर 1 सॉरी माइनस 1, आई की पावर 0 प्लस 1, आई स्क्वायर माइनस 1, आई की पावर 0 प्लस 1, आई स्क्वायर माइनस 1, नाउ 1 माइनस 1 कैंसिल, 1 माइनस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 1 अपॉन माइनस 1, यह आ गया
माइनस वन, क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, वन प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर फोर प्लस आई टू द पावर सिक्स प्लस आई टू द पावर एट, इसको हम लिख सकते हैं आई की पावर टेन, देन ट्वेल्व, देन पावर फोर्टीन, देन सिक्सटीन, देन एटीन और देन ट्वेंटी, इतना क्लियर। ये बन गया वन आई स्क्वायर माइनस वन आई की पावर फोर प्लस वन आई की पावर सिक्स, यहाँ टू रिमाइंडर मिलेगा तो आई स्क्वायर देन एट, ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो आई की पावर जीरो वन टेन, टू रिमाइंडर मिलेगा तो यहाँ से आ गया आई स्क्वायर, ट्वेल्व कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो प्लस वन फोर्टीन, टू रिमाइंडर मिलेगा तो आई स्क्वायर, सिक्सटीन कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो वन एटीन, टू रिमाइंडर मिलेगा तो आई स्क्वायर ट्वेंटी, ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो वन, इतना क्लियर। नाउ वन माइनस वन कैंसिल, आई स्क्वायर माइनस वन होता है तो वन माइनस वन कैंसिल, वन माइनस वन कैंसिल, वन माइनस वन कैंसिल, वन माइनस वन कैंसिल, यहाँ से बचा वन, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज था ये कंप्लीट हुआ, एंड आई होप कि अच्छे से क्लियर हो हर एक क्वेश्चन। स्टिल कोई डिफिकल्टीज गई हो तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए।